बीएससी कैंडिडेट बेरोजगार तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। 5 अगस्त यानी शुक्रवार को ये यात्रा इंदौर और जबलपुर में निकाली जाएगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि दोनों जगह यात्रा सफल होती है तो पूरे प्रदेश भर में ये यात्रा निकाली जाएगी। इंदौर में निकलने वाली यात्रा को लेकर अभ्यर्थियों ने पूरी तैयारी कर ली है। लगातार सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर शहर में पोस्टर बैनर लगाकर नोटा पर वोट अभियान चलाने के बाद अब अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं। पिछले करीब 4 सालों से मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी और व्यापम की भर्तियां अटकी हुई हैं, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने बेरोजगारों की तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला लिया है। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले ये यात्रा निकाली जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों से अपील की जा रही है। अभ्यर्थियों ने बताया कि 4 सालों से कई भर्ती अटकी हुई है, बावजूद इसके ना तो शासन प्रशासन और ना ही राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, जिसे लेकर अभ्यर्थियों में रोष है। अपना विरोध जताने और सरकार को जगाने के उद्देश्य से इस यात्रा का आयोजन किया गया है। बेरोजगारों की तिरंगा यात्रा 5 अगस्त को इंदौर और जबलपुर में एक साथ एक ही समय पर निकाली जाएगी। अभ्यर्थियों ने बताया कि यात्रा 5 अगस्त को भवरकुआ क्षेत्र स्थित डीडी पार्क भोलाराम उस्ताद मार्ग से सुबह 11 बजे निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए एमपीपीएससी ऑफिस तक जाएगी। यात्रा का आयोजन शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से किया जाएगा। उन्होंने यात्रा की परमिशन भी ले ली है। अभ्यर्थी पहले ही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कई अभियान चला चुके हैं, लेकिन इन अभियानों का नतीजा सिफर ही रहा। अभ्यर्थियों की मांग है कि एमपीपीएससी के रुके हुए रिजल्ट जल्द घोषित कर ज्वाइनिंग की जाए, ओबीसी आरक्षण केस का जल्द निराकरण किया जाए, पीईबी और एमपीएसआई, एमपी पटवारी एवं अन्य सभी भर्तियां निकाली जाएं, एमपीटीईटी वर्ग 3 का जल्द निराकरण किया जाए।